नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको फर्म की वैरायटी बताती हूँ। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। एक तो ये ग्रीन ग्रीन होता है और एक पत्ते आते हैं लाइट ग्रीन के, और भी इसमें काफ़ी वैरायटी आती। ये गर्मी में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है प्लांट्स है। जिस कोने में भी रखेंगे ना, वो एकदम से ग्रीन हो जाएगा। और यह प्लांट्स अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। इस प्लांट्स को शेडी एरिया में रखना चाहिए, धूप बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इस प्लांट्स को नमी पसंद है। और इसको यहाँ से जो एक पत्ता, ये एक डाली भी काट के लगाएंगे ना बारिश के दिनों में, तो नया प्लांट्स बन जाएगा। और नीचे नीचे छोटे छोटे प्लांट्स भी निकलते हैं यहाँ से ये बारिश में काट के लगाएंगे ना, तो ये भी लग जाएगी। तो अपन इसके ढेरों प्लांट्स भी बना सकते हैं। इसकी मिट्टी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। उसमें वही एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा वर्मी कंपोज या फिर किचन वेस्ट की खाद, और एक हिस्सा कोकोपीट। कोकोपीट आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। वो नारियल के छिलकों से बनाया जाता है। यह मैंने हाइट देने के लिए एक गमले के ऊपर दूसरा गमला रखा है। इससे ये बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे एकदम इसकी टहनियाँ पूरी ज़मीन को छू जाती है। बस इस प्लांट को धूप से बचाना है। नमी पसंद है तो डेली इसमें पानी डेली डालना चाहिए। मिट्टी इतनी पोरस होनी चाहिए कि पानी डालो और नीचे से निकल जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए अंदर। इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। अंदर इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जो प्रॉपर रोशनी आती और हवा आती हो। तो दोस्तों, आप भी ये प्लांट्स लाइए गर्मी में और लगाइए, हरी भरी हरा भरा बगिया करिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।